नरेंद्र मोदी जी ने 15 नवंबर यानी भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजाति गौरव दिवस के रूप में घोषित किया है और इस घोषणा के कारण से सरकारी माध्यमों के माध्यम से 15 नवंबर से 22 नवंबर यानी पूरे एक सप्ताह व्यापी कार्यक्रम का आयोजन हुआ है और उसी का समापन वनवासी कल्याण आश्रम फोर्ट ब्लेयर के प्रांगण में देख रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री जी ने जनजाति समाज के अमर बलिदान को याद करते हुए खासकर बिरसा मुंडा जी जो कि जनजाति समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं उनका योगदान भारतीय जनक्रांति में वो जो उनका योगदान था उस योगदान को देखते हुए उन्होंने जो है इस दिवस को जनजाति गौरव दिवस यानी जनजाति समाज का भी भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अमिट योगदान है इसको देखते हुए उन्होंने इसको जनजाति गौरव दिवस के रूप में इसको घोषित किया है। हम सभी कल्याण आश्रम के सभी कार्यकर्ता अखिल भारतीय कल्याण आश्रम के सभी कार्यकर्ता माननीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक धन्यवाद करते हैं और यह कार्यक्रम केवल पोर्ट ब्लेयर में ही नहीं बल्कि अंडमान निकोबार के पूरे द्वीप समूह में आयोजित हो रहा है। इसी तरह का कार्यक्रम डिगलीपुर में माया बंदर में बकुलतला में बाराटांग में और पोर्ट ब्लेयर के विभिन्न इलाकों में जहां जहां बिरसा मुंडा की प्रतिमाएं हैं वहां पर ये कार्यक्रम संपन्न हुआ है। उसी कार्यक्रम का समापन हम आज यहां पर देख रहे हैं। भारत के आजादी के 75वें वर्षगांठ में मैं फिर से पुनः सभी जनजाति बंधुओं को और खासकर अपने जो अमर बलिदानी स्वतंत्रता सेनानी उनके वंशजों को मैं आजादी के 75वें वर्षगांठ पे कल्याण आश्रम की ओर से इस आजादी के अमृत महोत्सव में उनको हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं।